नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं इस दबी हुई नस से परेशान हैं। उनके किसी के गर्दन में, किसी कमर में नस दब जाती है। ये पिंच्ड नर्व होता क्या है, और अगर कोई नर्व पिंच्ड हो जाती है तो आपके शरीर पे क्या असर डालती है, क्या इशू होती है, ये नर्व के बारे में आज जानेंगे। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, देखो इस तरह शरीर में आपके दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड निकल के बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं, और इस पूरे शरीर के अंदर इतनी सारी नर्व्स के कहीं पर भी पिंच हो सकती है। बट टेक्निकली ज़्यादातर मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं और उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो ये देखिए, ये लोअर बैक में MRI में हमें दिख रही है कि ये नॉर्मली MRI में ये हड्डी है, ये दो हड्डियों के बीच में ये डिस्क होती है, और ये डिस्क जो है इस जगह पे दब सी गई है और इस तरफ से बाहर निकल रही है, और इस तरफ से बाहर निकलते हुए यहाँ पर जो सफ़ेद सफ़ेद नस आ रही है उसको नस को कितनी जोर से दबा रही है। इस इंसान को लोअर बैक में शियाटिका वाला पेन होगा, अच्छा खासा पेन होगा। तो नस में अगर दर्द हो रहा है तो वो दब रही है अगर नस, तो माइनर पेन कर सकती है, सीरियस पेन कर सकती है, और टेम्पररी से लेके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा नस दब रही है तो पैरालिसिस तक भी हो सकता है। तो इसको सही वक्त पे डायग्नोस करना ज़रूरी है, और इसके जो दबाव का असर है उसके वजह से क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। तो जिस तरह से लोअर बैक में हमने आपको दिखाया, ऐसे नस हर्निएट होके पिंच हो जाती है। तो ऐसे में जो पिंच्ड नर्व होती है, एक तरीके का डैमेज है, दबाव है, कंप्रेशन है जो नस के ऊपर होता है, और बार बार अगर कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये अंदर बाहर होता है, जो हर्निएटेड डिस्क होती है अंदर बाहर होती है, और कई बार थोड़े दिनों के बाद बाहर होके फिक्स हो जाती है। तो दबाव लगातार रहता है, तो दर्द लगातार रहता है, और पहले अंदर बाहर रहता है, कुछ पोजीशंस में दर्द होता है, कुछ तरीके से खड़े रहने में दर्द होता है, ऐसे ही आपको कुछ और इश्यूज में दर्द होता है, जैसे पीठ में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है, तो कई जगहों पे होता है। और ज़्यादातर जो नस दबती है वो ऐसी जगहों पे दबती है जहाँ पर हड्डी हड्डी के बीच में हो। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से दिख रहा है, ये जो सफ़ेद रंग का है ये नॉर्मली ये आपका कुशन होता है, जो आपके अंदर डिस्क बोलते हैं इसको, ये ऐसे गोल होना चाहिए, बट यहाँ से ये जो उसका जो कवर है ये कवर टूट गया है, और टूट के ये यहाँ से बाहर निकल गया है, ये बाहर निकल के नस को लिटरली दबा रहा है। तो ये काम जो है कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नस हड्डियों के बीच में ही दबेगी, हड्डियों के बीच में, टेंडन्स के बीच में, लिगामेंट्स के बीच में भी नस दब सकती है, उससे भी अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से जब भी कोई नस दबेगी उस नस में इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी, उस नस के वजह से आपको बैक पेन हो सकता है अगर लोअर बैक में हो रही है, सर्वाइकल पेन हो सकता है अगर अपर बैक में हो रही है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, उसी की वजह से शोल्डर में दर्द जा सकता है, हाथों में, एल्बो में दर्द जा सकता है, पैरों में दर्द जा सकता है, नीचे पीता फुट में दर्द हो सकता है, शियाटिका जैसा पेन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं, इसमें ध्यान में रखें। और अगर कोई सिम्टम आपके डेवलप होते हैं स्पाइन के डिस्क के हर्निएशन के वजह से, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिस्क बाहर निकलती है, हर्निएटेड डिस्क होती है, और प्रेशर सीधा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व पे आता है। ऐसे में ऊपर की तरफ हुआ तो एल्बो, हैंड, रिस्ट, फिंगर्स पे आएगा, नीचे की तरफ हुआ तो पैरों पे दर्द होने लगेगा, ध्यान में रखें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया हाथों में भी एक कार्पल टनल होता है जहां पर लिगामेंट्स के बीच में, मसल्स और लिगामेंट्स के बीच में मीडियन नर्व नाम की जो नर्व होती है वो दब जाती है, और उससे कार्पल टनल होता है, यहाँ हाथ में दिक्कतें होने लग जाती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कोई भी नस खराब हो रही है उसे कहते हैं, कार्पल टनल इस मीडियन नर्व की वजह से हाथ में दिक्कत हो रही है इसको कहते हैं। कई बार इसके ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ जाता है, इनिशियल स्टेज में केवल दवाइयों से काम हो जाता है, रेस्ट से काम हो जाता है, उसका इलाज भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि नस जब भी किसी भी कारण से दब रही है, नस में स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, उस पर प्रेशर आएगा, उसके ऊपर दबाव की वजह से इंजरी हो सकती है, इंजरी की वजह से स्कारिंग हो सकती है, स्कारिंग मतलब चोट लगने पर जैसे हमें स्कार आ जाते हैं वैसे हो सकते हैं, और उस वजह से आपकी नस का जो फंक्शन है कि नर्व इंपल्सेस लेके जाना है वो कम हो सकता है, वो गड़बड़ा सकता है, तो उस वजह से सिम्टम्स पैदा होते हैं। सिम्टम्स में सबसे बड़ा है पेन, दर्द, पर जरूरी नहीं है कि हर बार दर्द होगा ही, कई बार दर्द होता है, कई बार दर्द नहीं, कुछ और लक्षण आते हैं। तो दर्द जैसे शियाटिका का, रेडिकुलर पेन, नसों में दर्द, गर्दन में दर्द, बैक में दर्द, लोअर बैक पेन बहुत कॉमन है, और उसके अलावा टिंगलिंग, नमनेस भी हो सकता है, और जैसे पिन्स और नीडल सेंसेशन होती है चुभने वाली, या बर्निंग सेंसेशन होती है वो भी हो सकती है उस हिस्से में जहाँ नस दब रही है, जिसपे सप्लाई करती है नस, और
वीकनेस भी हो सकती है, कमजोरी भी हो सकती है उस पर्टिकुलर काम को करने में जिसकी नस, जिस मसल की नस दबी हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैर सो गया, ऐसा लगता है पैर सो गया है, पैर एकदम सो गया है, हाथ सो गया है, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। समटाइम्स कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट करने पे, जैसे कि झुकने पे सिम्टम बढ़ जाएं, गर्दन हिलाने से सिम्टम बढ़ जाएं, तो गर्दन में या लोअर बैक में फिर दर्द यानी नस दबी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कितनी नस दबी है, कहाँ नस दबी है, क्यों नस दबी है, राइट, उस पे डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेज पे जब शुरुआती स्टेज में नस दबी होती है तब बहुत सिंपल रेस्ट करने से भी, आराम करने भर से नस के ऊपर से दबाव निकल जाता है, नस के ऊपर से सूजन कम हो जाती है, एक्टिविटी कम करने से ही सिम्टम्स बढ़ने से बच जाते हैं। तो जब भी कभी दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी आपको बता रही है चुपचाप बैठो, रिलैक्स करो, और अगर सिम्टम आपके फिर भी चल रहे हैं, दर्द बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। उसमें ट्रीटमेंट में जो सूजी हुई नस है और जो टिश्यूज हैं जो नस के आराम से बढ़ गए, सूज गए, उसको शांत करने के लिए, उसको दबाव को, उसके सूजन को कम करने की दवाइयाँ आती हैं। और बहुत ज़्यादा सिवियर केस होता है तब फिर वो जो नस दबाने वाली कोई टिश्यू है, जो डिस्क हर्निएट हो रहा है, बाहर निकल के नस को दबा रहा है, उसके बाहर निकले हुए हिस्से को निकालना, कई बार डिस्क के मटेरियल को या पीस ऑफ बोन को या जो भी चीज़ नस को दबा रही है उसे निकालना ऑपरेशन करके जरूरी हो जाता है। तो दवाइयों से जो ट्रीटमेंट होता है, पहला ट्रीटमेंट तो है रेस्ट, ठीक है, उसके बाद में ट्रीटमेंट है दवा। दवा से है एक एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन। एस्पिरिन से ध्यान में रखना, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है, बाकी इन सारी चीज़ों से, एनसेड से गैस हो सकती है, तो गैस का साइड इफेक्ट होता है इससे। फिर होता है ओरल स्टेरॉयड्स, जिनमें अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सूजन है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तभी इसे यूज़ करते हैं, तो बिना डॉक्टर के सलाह के इसे यूज़ नहीं करना और लंबे समय तक बिल्कुल नहीं करना। अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है जो एनसेड से भी ठीक नहीं हो रहा है, हल्के फुल्के स्टीरॉयड से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें नारकोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि टेम्परेरीली इंसान जो है सो पाए, रह पाए, ढंग से काम कर पाए अपना, वो ज़रूरी हो जाता है। और जो नस सूज रही है उस नस पे डायरेक्ट स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिससे स्वेलिंग कम हो सकती है, इन्फ्लामेशन उस लोकल नस का कम हो सकता है और आगे समय मिल सकता है आपको उसके कारण को डील करने में। तो स्टीरॉयड इंजेक्शन और ये सारी दवाइयाँ पॉसिबली ट्रीटमेंट है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, मसल की स्ट्रेचिंग, उस नस के ऊपर के मसल्स, उसके जो पोस्चर है आपका, उसको करेक्ट करना। कई बार स्प्लिंट लगाया जाता है कि इसी पोस्चर में आपके मसल पे आराम आ रहा है तो थोड़ी देर स्प्लिंट लगाओ, गर्दन पे कॉलर जैसी चीज़ होती है, ताकि मसल को और उस नस को आराम मिले, वो हील कर पाए। और अल्टीमेटली अगर नहीं आप सही वक्त पे इसे ठीक करते तो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। ऑपरेशन की नौबत कम आती है मगर आ सकती है। तो आपके केस में नस अगर कोई भी दब रही है, मतलब गर्दन से लेके पीठ तक और पैरों तक अगर दर्द है, सुन्नपना है, चीटियां काटती हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। हाँ, ये सारे लक्षण जो है ये कुछ चीज़ों की, B12 विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं, खून की कमी से भी हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं, और लो हीमोग्लोबिन से भी हो सकते हैं, और पानी की कमी से भी हो सकते हैं। तो देखना जरूरी होता है कि कहीं कोई और कारण तो नहीं है, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से बात करें और अपने डॉक्टर से आपके केस में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उसके लिए आप बात कर सकते हैं हमसे। कंसल्ट करने के लिए ये नंबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ शेयर करें जितना हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे उठाए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।